13 देखिए क्या कह रहा है। इफ एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कैसे है डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन फाइंड एफ इनवर्स क्या है माइनस एफ इनवर्स 17 एंड एफ इनवर्स माइनस 3। अच्छा एफ इनवर्स 17 कह रहा है फाइंड करने के लिए, एफ इनवर्स 17 का मतलब है क्या है इनवर्स एलिमेंट ऑफ 17, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 17, 17 का इनवर्स एलिमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं ना प्री इमेज ऑफ 17 ये भी कह सकते हैं। उसी तरह से एफ इनवर्स माइनस 3 के लिए भी हम कह सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ माइनस 3 हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन जो है ये आर टू आर बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है डिफाइंड बाय देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये जो आपके 17 देख रहे हैं एक्चुअल में ये इमेज रहा होगा किसी एलिमेंट का, इमेज रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एफ एक्स इक्वल टू में ही ले लेंगे 17। तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन रखेंगे, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17, स्क्वायर जाएगा रूट में प्लस माइनस लगेगा तो 16 का रूट आपका x इक्वल टू में प्लस माइनस 4 आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि f इनवर्स क्या हो जाएगा 17 का, इसमें दो एलिमेंट आएंगे, क्या आएंगे माइनस 4 भी हो सकता है और प्लस का 4, ये दोनों हो सकता है, समझ गए ना। चलिए यानी कि आप माइनस 4 भी रखोगे तो इसका इमेज देख लो 17 आ जाएगा और 4 भी रखोगे तो इमेज आपका 17 आ जाएगा, समझ गए। तो यही दो आपके माइनस 4 और 4 इसके इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि एफ इनवर्स माइनस 3, एफ इनवर्स माइनस 3 हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स माइनस 3 का मतलब क्या है इनवर्स एलिमेंट ऑफ माइनस 3। यानी कि हम लोग एफ एक्स इक्वल टू में क्या ले लेंगे माइनस का 3 ले लेंगे, अब इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू में माइनस 3, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा। अच्छा यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 4, ठीक है ना, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर जाएगा रूट में प्लस माइनस लगेगा, रूट के अंदर माइनस का 4, यानी कि ये रियल नहीं है, रियल नहीं है। जबकि आपके फंक्शन एफ में कह रहा था कि ये आर टू आर पे डिफाइन है, यानी कि रेंज एलिमेंट इसको डोमेन से मिलने चाहिए, रियल नंबर से मिलने चाहिए, ये तो रियल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि एफ इनवर्स माइनस 3 का वैल्यू जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा ऐसा जिसको रखने पर इसका वैल्यू माइनस 3 हो जाए। आप देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 है या ऐसी जगह कोई ऐसा रियल नंबर बताओ जिसको रखने पर वैल्यू माइनस 3 आ जाए, कभी होगा नहीं ना होगा। क्वेश्चन नंबर 14।